प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दी बड़ी सौगात, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शुभारंभ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने रखी रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला, बोले आधुनिक सेवाओं से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। 24,470 करोड़ की लागत से होगा रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश। 2 साल में पूरा होगा रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का काम, फुट ओवरब्रिज, एस्केलेटर और लिफ्ट समेत तमाम तैयारियां। रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए बनी है अमृत भारत स्टेशन योजना, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल बदलाव की तैयारी। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में आज भी सर्वे लगातार जारी, एसआई और आईआईटी के एक्सपर्ट काम में जुटे, कड़े सुरक्षा इंतजाम। हरियाणा गिरोह में एफएसएल की टीम ने तिरंगा पार्क पहुंचकर के जांच की, तलाशी के दौरान मिले देसी तमंचे और 2 कारतूस, जांच होगी। नो इंसा मामले में अब तक 104 एफआईआर दर्ज, 216 लोगों की हुई गिरफ्तारी, पुलिस ने जानकारी दी। नो मामले को लेकर अफवाहबाजी पर नियंत्रण के लिए सोशल मीडिया पर रखी जा रही है पैनी नजर, 8 अगस्त तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। नो में आज 12 बजे तक कर्फ्यू में दी गई ढील, खुले बाजार, पुलिस प्रशासन सतर्क। मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक, कांग्रेस नेता नाना पटोले ने जानकारी दी, उद्धव ठाकरे मेजबानी करेंगे। जद्दा में यूक्रेन पर बैठक में शामिल हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, कहा बातचीत से सुलझाना चाहिए संकट, मानवीय मदद पहुंचा रहा है भारत। मुंबई कंट्रोल रूम में कॉल करके धमकी देने वाले को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया, एहतियातन बढ़ाई गई सुरक्षा। जालौर में 85 साल के बुजुर्ग ने लिया कबड्डी टूर्नामेंट में हिस्सा, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग खिलाड़ियों की कबड्डी टीम में अपने पोतों को मात दी। बर्लिन वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में आदिति ने रच दिया इतिहास, व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर बनी सबसे कम उम्र की विश्व विजेता। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन, पेशावर में सड़कों पर उतरे पीटीआई कार्यकर्ता, पुलिस के साथ झड़प। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में बढ़ाई गई सुरक्षा, जगह जगह पुलिस बल तैनात। चीन में आया 5.5 तीव्रता का भूकंप, पूर्वी चीन के शेंडोंग प्रांत में महसूस किए गए झटके, लेवल 4। पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क में फायरिंग के बाद यूनिवर्सिटी की इमारत में लग गई भीषण आग, बुझाने के लिए जूझते नजर आए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी। जर्मनी के रुटलिजिन में जमकर हुई बर्फबारी, सड़कों पर देखा बर्फ का सैलाब। हजारीबागा बॉर्डर पहुंचे फिल्म गदर 2 के कलाकार सनी देओल ने बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी पर अमीषा पटेल और अन्य लोगों के साथ भांगड़ा किया। फिल्म गदर 2 के प्रमोशन के लिए अमृतसर पहुंचे बॉलीवुड एक्टर और गुरदासपुर से सांसद सनी देओल। सनी देओल स्टारर फिल्म गदर 2 की एडवांस बुकिंग ने पकड़ी रफ्तार, पहले दिन के बिके 90,000 से ज्यादा टिकट, 11 अगस्त को रिलीज हो रही है फिल्म। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शानदार कमाई लगातार जारी, रिलीज के 9वें दिन करीब 11,50,00,000 रुपए कलेक्शन। आलिया भट्ट और कटरीना कैफ का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिम में आलिया को ट्रेनिंग देते हुए नजर आ रही है कैटरीना।